हेलो एवरीवन, आज हम फिर से हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, डाला है मेथी दाना, फिर डाला इसके अंदर थोड़ा सा जीरा। हल्का सा भूनने के बाद इसमें रफली चॉप्ड मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। बस ये है कि बहुत मोटे मत काटना। इसको करने के बाद डाल दिए टमाटर, टमाटर के बाद नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये चार मसाले डाले हैं। बस इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा, लंबी लंबी कटी हुई पत्ता को भी डाल देंगे। जितना अच्छे से मसाला भूनोगे उतने ही अच्छा और टेस्टी इसका टेस्ट आएगा। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखो पत्ता को पूरी भरी हुई थी पूरी कढ़ाई। हमेशा इसके अंदर क्या होता है कि जो पत्ता गोभी का साइज है वो आधा रह जाता है, क्वांटिटी हमेशा कम होती है, तो उसके हिसाब से मसाला बनाइएगा। आज पता नहीं मेरी सांस क्यों फूल रही है बार बार, अगर लगे तो प्लीज इग्नोर कर देना। तो इस तरह हम इसे बार बार अलटते पलटते हुए इसे पका लेंगे। दो तीन बार ढककर पकाए, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये बहुत यम्मी बनी थी। इस तरह रेसिपी को सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम।